अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज देखिए हम बना रहे हैं बैंगन की बैंगन का सलाद बना रहे हैं। प्याज लगते हैं, पूरे मसाले ही। देखिए तेल गर्म हो रहा है, छोटे गैस से बना रहे हैं। गैस ख़त्म हो गई हमारे पास। देखिए प्याज, पूरे मसाले हैं, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, जीरा पाउडर। देखिए बैंगन इसमें बना रहे हैं। बैगन को अच्छे से ऐसा काट लेना, ऐसा काट के अच्छे से ले लेना ऐसा उसको। फिर इसमें मसाले पूरे लगा लेना, मिर्ची, नमक। इसको पूरे अच्छे से मिक्स करना। देखिए गाइस, मिर्ची नमक को ऐसे लगा लेना बैगन को अच्छे से अंदर से। इसको अच्छे से देख लेना कीड़े उड़े रहे हैं नहीं ना बैंगन में, ऐसा काट के देख लेके फिर इसको मिर्ची नमक अच्छे से लगा लेना। इसके सारे बैंगन को ऐसा लगा लिए हैं। अब बनाएंगे, इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से मसाएंगे। हट बेटे, देखिए प्याज हमारी थोड़ी लाल हो चुकी है। इसमें डालेंगे अपन बैंगन। देखिए बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लेना तेल में। देखिए इस बैंगन अच्छे से इसमें फ्राई हो गई। थोड़ा अपन पानी ऐड करेंगे। देखिए टमाटर कोथिंबीर भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से फ्राई करना है। एक 5 मिनट इसको ढक के रखेंगे, टमाटरों को अच्छे से भुने जाने देंगे। इसके बाद में देखिए गाइस, अच्छे से टमाटर भून चुके हैं इसमें। माशाल्लाह बैंगन भी अच्छे से भून चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं। देखिए माशाल्लाह, ये रोटी के साथ अच्छे रसा लेंगे। देखिए
अच्छे से भून चुके हैं टमाटे भी और प्याज भी इसमें। देखिए माशाल्लाह बैंगन भी अच्छे से भून चुके हैं। थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें अपन, इसमें देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करके चलो झुके रखेंगे तो ना कपड़े से करता गर्म। चलो दस मिनट ढक के रखेंगे, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे। देखिए ऐसे अच्छे से हो चुके हैं बैगन माशाल्लाह। देखिए बन गया हम सर्व कर लेंगे मसाला रेडी हो चुका है, इसमें मैं निकाल लेंगे। देखिए इसमें चलो निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सारा मैं बना ले कर लेंगे। जैसे हमारे बैगन का सलाद रेडी हो चुका है, रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।